Some relief for Manish Sisodia by a Delhi court. This after back-to-back setbacks as far as his bail is concerned. Because remember, Manish Sisodia has moved court several times seeking relief, seeking bail. But the Supreme Court, remember, had said that, well, the courts have ruled it correctly when they refused to grant bail to Manish Sisodia. But in this particular relief from a Delhi court, Manish Sisodia will now be allowed to meet his ailing wife once a week. Remember, Manish Sisodia had made this clear multiple times in courts that his wife is not well, and hence he needs permission from courts to meet his wife. In fact, he had sought bail on that ground as well, citing that his wife is not well. In fact, Delhi's Rouse Avenue Court has granted this relief to Manish Sisodia. Our senior colleague Sharad Sharma is joining us live on the phone line now. So Sharad, कुछ हद तक राहत मिली है अब मनीष सिसोदिया को. उन्होंने कई बार ये कोर्ट्स में अपनी प्लीज में कहा है कि उनकी वाइफ जो है वो बीमार है और उनको मौका मिलना चाहिए उनसे मिलने का, और उनके डॉक्टर से भी अब वो मिल सकेंगे. बिल्कुल, देखिए कई बार कोर्ट से अपील की गई थी और कई जगह मनीष सिसोदिया ने अपील की, और कुछ महीनों के दौरान मनीष सिसोदिया को ये राहत मिली कि वो कुछ घंटों के लिए अपनी वाइफ से मिल पाए. लेकिन अब मनीष सिसोदिया, जब लगभग एक साल उनको होने वाला है जेल के अंदर, तो उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पिटिशन लगाई. दो उसमें उन्होंने मांग की. पहला, रेगुलर बेल की डिमांड उन्होंने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया फिर से बेल मूव कर सकते हैं. तो एक तो बेल उन्होंने मूव की, साथ ही उन्होंने हफ्ते में दो दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की मांग की थी कि उनको पैरोल दिया जाए दो दिन के लिए, ताकि वो अपनी बीमार पत्नी से मिल सके. तो उसी में जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, जो पूरे मामले को सुन रही है, उसने मनीष सिसोदिया को एक दिन के हफ्ते में एक दिन के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है. साथ में जो रेगुलर बेल की उनकी पिटिशन है, उस पर भी अगले हफ्ते यानी 12 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगी. और ये आदेश जो है, जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, ये केवल एक हफ्ते के लिए नहीं होगा, बल्कि अगले ऑर्डर तक, यानी कि अब जब तक कोर्ट कोई नया ऑर्डर इस बारे में नहीं दे देता है या कोई मनीष सिसोदिया की जमानत ही नहीं हो जाती है, तब तक के लिए ये ऑर्डर जो है लागू रहेगा कि एक हफ्ते में एक बार मनीष सिसोदिया सुबह से शाम तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए घर आ सकेंगे, और इस दौरान जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी मनीष सिसोदिया मिल सकते हैं. अभी तक केवल ये था कि केवल अपनी पत्नी से या परिवार से ही उस दौरान वो मिल सकते थे, अब अपनी पत्नी से, डॉक्टर्स दोनों से मिल सकते हैं. हफ्ते में एक दिन ये मुलाकात हो सकती है.